गुड मॉर्निंग वीरेंद्र बोल रहा एक स्पेस जो कि सडनली बहुत डिलेमा में है और बहुत दुविधा में है मिड फरवरी तक काफ़ी अच्छा पैसा बना वो था पी एस का चंग बट पी एस को भी बाईस करके और उसमें से आप अगर ओ को देखें पहले क्रूड कमज़ोर था अच्छी बात थी आ, अच्छे अगर आप देखें ये मैं, आ, मनी मैंटेन कर रहे थे उस प्राइस पर फिर सरल्ली आप देखें प्राइस कट एलबीजी प्राइसेस कट और उसके बाद क्रूड का 87 की टेजेक्ट्री में आने जाना आप ओएमसीस को कैसे रीड कर रहे हैं इस वक्त इस प्राइस पर ये देखिए ओएमसीस ने एक अच्छा प्रदर्शन किया है स्पेशली स्टॉक्स हैव डन वेरी वेल एंड कुछ हद तक उनके लिए पॉजिटिव ड्राइवर्स भी रहे हैं पिछले जैसे आपने बताया ऑयल प्राइसेस हैव और और आई नो उनकी जो रिफाइनिंग और मार्केटिंग वो भी ऊपर की तरफ चल रही थी अब उसमें थोड़ी आ, रुकावट आई है कुछ आप, आप तक मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि दो से तीन रुपया डीजल और पेट्रोल के दाम कम होंगे तो नॉट आउट ऑफ लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ द मार्केट लेकिन क्लियरली एज ऑफ नाउ जो इमोट ड्राइवर्स थे ऑयल प्राइसेस और margins, वो थोड़े बहुत प्रेशर में है हालांकि इसमें मुझे लगता है कि फिर भी एक हद तक वैल्यू है डिपेंड्स uh, अपॉन कौन सी ओएमसी आप करते हो क्योंकि uh, ए, 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 एक 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 तीन ओ एम सीज का डायरेक्शन लगभग लग सेम है उनके सेम ड्राइवर्स रहते हैं लेकिन uh, कुछ हद तक ऐसा भी है कि आने वाले एक दो साल में वन ओ कैन बी समॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर डिपेंडिंग अपॉन उनका प्रोडक्ट uh, प्रोफाइल क्या है या उनकी uh, उनके जो एक्सपेंशन प्रोग्राम्स है उसका आउटकम क्या होता है

अच्छा ये ओ की बात पूरी हो गई मैं हालांकि अभी पूरी की पूरी पी एसू बास्कर को यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ डिस्कशन में ताजे एक दो स्पेस पे और आते हैं जहाँ पे पिछले कुछ सेशंस में पेन बढ़ा है और वो है एफएमसीजी एम कंपनियाँ आप लास्ट रिपोर्टेड क्वार्टर्स में एचुल के वॉलीम्स के नंबर्स वाकई परेशान करने वाले थे आ, कल हम डिस्कशन भी कर रहे थे आई मीन इन्फ्लेशनरी प्रेशर इनकी कॉस्ट को और बढ़ाएगा और अब यहाँ से अगले तीन महीने में बहुत चीज़ें अप हैं आई मीन इलेक्शन आउटकम न्यू बजट लेकिन तो सबसे महत्वपूर्ण तो चीज़ होगी मॉनसून में एफ के इस प्राइस डैमेज को जिसने कि uh, दिसंबर जनवरी फरवरी के मार्केट के मूव में पार्टिसिपेट नहीं किया सिर्फ इक्का दुक्का सॉक्स को छोड़ के आपका व्यू क्या बन रहा है नहीं देखिए जैसे मैंने आ, कुछ समय मैं पहले कहा कि मतलब ये स्पेस जो है वो काफी हद तक हैज बीन अंडर प्रेशर नॉट जस्ट लास्ट

इम्पोर्टेंट नो ट्रिगर हो सकता है दूसरी बात ये भी है कि वहां पे डिमांड की भी एक कुछ हद तक मतलब सॉफ्टनेस रही है बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स कुछ स्ट्रक्चरल फैक्टर्स भी है uh, uh, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन द लास्ट वन और टू ईयर्स लास्ट फाइव सिक्स गवर्नमेंट की पॉलिसी टू एज एम एस पीस जो रही है वो शायद इट्स नॉट बीन वेरी रेम्यूनोरेटिव वो सेक्शन द मार्केट के लिए तो एक लेवल पे वो एक लास्ट हाफ़न पावर को हिट करती है प्रोजेक्टरी uh, कर so थोड़ा नरम होते हुए अगर हमें दिखाई दे और साथ ही साथ ये मानसून का जो आपने बताया उसका भी अगर हम पॉजिटिव uh, आउटकम अगर हमें देखने मिले तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बन सकती है फॉर फॉर अ रिबाउंड रिबाउंड ग्रोथ की भी हो सकती है कुछ हद तक वैल्युएंस uh, भी जो शायद इतने चीप नहीं है लेकिन उनके एवरेज से थोड़े लोअर एंड uh, पे है तो उसमें भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हमें दिख सकती है तो आई थिंक यहाँ पे एक केस बन सकता है स्टार्ट विद एफ देखिए देखिये हम uh, अगर इसी सेगमेंट में अगर हम देखें लोअर एंड ऑफ द मार्केट या यू नो टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स या जहाँ पे लो टिकेट टू uh, व्हीलर्स का अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो वो पिछले कुछ दिनों में uh, कुछ महीनों में हमने देखा है कि टू व्हीलर्स में हमने अच्छी खासी बढ़त देखी है ग्रोथ uh, uh, भी आई है और स्टॉक्स ने भी अच्छा किया है तो एक uh, uh, ये आगे जाके ये हो सकता है बहुत you know, uh, सारी ऐसी जो जुड़ी हुई है और मे बी टू व्हीलर्स इज अ फर्स्ट इंडिकेटर और शायद इट माइट स्प्रेड टू अदर प्रोडक्ट्स एज वेल इन दी कंजन बास्केट तो विल वेट एंड वॉच बट या ये यहाँ पे एक यू uh, नो you know, लेकिन इसमें भी है कि uh, दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे मतलब कंपनीज का uh, चयन करना जरूरी रहेगा बिकॉज uh, कुछ है ऐसी कंपनियाँ जो शायद इंडस्ट्री uh, एवरेज uh, uh, से ज्यादा ग्रो कर पाए और uh, 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 शायद उनको इट मे नॉट ने होल सेक्टर हालांकि फर्स्ट राउंड में वैल्यूएशन सभी चीजों के ऊपर जाएंगे लेकिन ग्रोथ के साथ ग्रोथ डायनामिक के साथ अगर देखना चाहे तो फिर देन वी माइट हैव टू तो मेक अ चॉइस विद इन द अवेलेबल सेट ताहिर सरकारी कंपनियों में हमने देखा है एक यूफोरिया बना हुआ था अच्छे ऑर्डर विंस आ रहे थे एंड दैट वाज वर्किंग वेल फॉर देम लेकिन थर्ड क्वार्टर नंबर्स में आपने भी नोटिस किया होगा कि बहुत कम कंपनियां हैं जहां पर वो अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट होने लगा है अगर ये सिलसिला एक और क्वार्टर तक चलता है तो क्या लार्ज लिक्विडेशन फंड्स की तरफ से भी आएगा जो भर भर के पीएसयू स्पेसिफिक स्कीम्स लेकर आई थी एन लेकर आई थी नहीं तो देखिए क्लियरली पीएसयूज हैज बीन अ वेरी वाइब्रेंट पार्ट ऑफ द मार्केट इन द लास्ट वन वन ईयर और लिटिल ओवर वन ईयर और फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एवर कुछ सालों से हम

पॉपुलेशन uh, है वो इतना ज्यादा शार्प रहा नहीं है uh, उनको ग्रोथ के नजर से देखना शायद थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट और रेलिवेंट हो जाता है आज आ, आज और आ, शायद उस आ, उस हद हाँ तक उनको लगभग करीब करीब प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के आ, आ, के कंपैरिज़न में ही आ, उनको भी देखना पड़ेगा फ्रॉम अ ग्रोथ स्ट्रोक वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट तो आ, आ, मेरा मानना है कि शायद देखिए सेक्टर जैसे अनफोल्ड होता है कोई एक एक्साइटिंग एरिया डेवलप हो जाती है तो फर्स्ट राउंड में तो हर एक कंपनी you know, uh, तो uh, एक हो जाएगा मुझे लगता है कि आप पी एस यू पास कर देखे तो एक सेट अभी भी कंपनीज का है जहाँ पे शायद आप एक वैल्यू uh, प्रोपोजिशन के फॉर्म में उनको दे सके uh, देख सके अदर uh, इज

यू नो नाइदर वन और द अदर इज अवेलेबल यहाँ पे वैल्यूएशन भी ऊपर आ चुके हैं इन द लास्ट सम टाइम बिकॉज ऑफ द जनरल पी एस यू मूव और शायद ग्रोथ में uh, 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 ग्रोथ की विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है तो आई थिंक वील हैव टू डिवाइड एंड कंपार्टमेंटलाइज द पी एस यू बास्केट फ्रॉम यर ऑन एंड फिर उसके बाद वी विल हैव टू मेक द सिलेक्शन तो एक तरीके से नाउ इट विल बी लॉट मोर सेलेक्टिव कंपेयर टू वॉट इट हैज बीन इन द बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए मार्केट्स पर